आज मैं आपको चिकन मकरोनी बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन 3 पाव एल्बो मकरोनी मैंने ले लिया। इसमें आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया और उसे मैंने इस तरह क्यूब की शेप में छोटे छोटे क्यूब काट लिए। आधा किलो मैंने बंद गोभी, इसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, वो ले कर मैंने उसे काट लिया। और 2 मैंने शिमला मिर्च ले के सब्ज वाली, उन्हें इस तरह काट लिया स्क्वायर शेप में छोटा छोटा। और साथ मैंने ये हसबे जायका जो है काली मिर्च ले के साबत, इसे मैंने घर में ही उसे ग्राइंड कर ली है। इसके लिए मुझे चाहिए, चाहे तो आप चिली गार्लिक सॉस ले सकते हैं और चाहे आप केचप सादी वाली भी ले सकते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए केचप, सोया सॉस और नमक जो हम डालेंगे मकरोनी को उबालते हुए। और साथ मैंने 3 जवे लहसुन के ले लिए, ये देखें 3 जवे लहसुन के मैंने ले लिए। ये हम जब चिकन को तड़का लगाएंगे तो उसके लिए। अब छोटा प्याज एक मैंने ले के छोटे से साइज का, उसे मैंने ये रफली चॉप कर लिए। मैंने पानी ऊपर रख दिया और ये देखें पानी हमारा, जैसे चावल उबालते हैं ना इसके लिए, इतनी स्टेज पे हम चावल डाल देते हैं तो ये इतनी स्टेज पे हम मैक्रोनी भी डाल देंगे। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के, ये देखें ये नमक, और साथ इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो आपस में चिपके ना। और इसमें मैं डाल देती हूँ अपनी एल्बो मैक्रोनी जो मैंने ले लिया 300। पानी बहुत ज्यादा गर्म है, जब भी डालें पानी में या घी में कोई चीज तो इख्तियार से डालें। अब मैं इस साइड पे इसे मैं उबलने दूंगी और साथ साथ मैं इस साइड पे अपना चिकन का तड़का लगा लूं। इस साइड पे मैं चिकन को तड़का लगाने लगी हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल या घी आप ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसे मैं गर्म होने दूंगी और फिर हम इसमें डाल देंगे अपना, ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ अपना प्याज। ये हल्का गुलाबी हो जाता है तो ये मैं इतनी देर में ये लहसुन के जबे जो है वो काट देती हूँ क्रश, चाहे तो आप ही इसमें चाहे क्रश कर लें। मुख्तलिफ तरीके से मकरोनी बनती है चिकन मकरोनी, तो ये भी एक मुनफरद सा तरीका है और बहुत मज़ेदार तरीका है, इसका खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें चिकन की स्मेल भी नहीं आती। ये देखें नाज़रीन, ये मैं बारीक वाली साइड से ना हमेशा ये लहसुन और अदरक क्रश कर लेती हूँ, चाहे तो आप पूंडी डंडे में कर लें पीस लें और चाहे इसमें, ये देखें ये बिल्कुल क्रश हो जाता है। और इसकी मोटी वाली साइड से मैं टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने कहा जितनी देर प्याज पिंक और इतनी देर मैं अपना लहसुन कर लेती हूँ। आप मेरी रेसिपी इसको जरूर ट्राई किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। ये देखें ये हमारा ऑलमोस्ट प्याज पिंक हो चुके हैं। अभी स्टेज पे मैं डाल दूंगी अपना ये क्रश किया हुआ 3 लहसुन के जबे जो मैंने क्रश कर लिए थे, ये वाला इसमें। जब कम मसाला हो तो हमेशा आंच को थोड़ा हल्का रखा करें, हल्की आंच पे भी मसाला जो है फौरन से थोड़ा होता है तो वो टाइम नहीं लेता और आपका सही मसाला तैयार हो जाता है।
नाज़रीन ये देखें इस स्टेज पे हम अपना ये चिकन क्यूब शामिल कर देंगे बीच में। और जब भी आप ये चिकन क्यूब बनाएं तो इस साइज के बनाया करें ताकि ज्यादा मोटे मैकरोनी में अच्छे नहीं लगते। हम ये इस तरह बना रहे हैं ना तो इसमें से चिकन की जो स्मेल होती है ना वो भी खत्म हो जाएगी। और देखें इतने ज्यादा सालन की तरह के प्याज नहीं मैंने लिए, बस इतने लिए हैं जिसमें ये चिकन की स्मेल खत्म हो जाए और तीन जवे लहसुन के मैंने ले लिए। इन्हें मैं करूंगी अच्छा हल्का गुलाबी चिकन पीस को भी, और फिर इसमें हम अपनी केचप, सोया सॉस, नमक और काली मिर्च पाउडर जो है वो शामिल कर देंगे और ये हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। और मैकरोनी को मैं साथ साथ उबाल रही हूँ, साथ साथ इसे भी चेक करते रहे। जब ये अभी पक रही है हमारी मैकरोनी जो तैयार हो जाएगी तो इसे मैं जैसे चावलों का पानी निकालती हूँ इसी तरह इसे भी मैं पानी निकाल दूंगी मैकरोनी को। और फिर हम इसी देखते में थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसमें मैं अपनी काटे कर लूंगी बंद गोभी और शिमला मिर्च। और जब हमारी काटे हो जाएंगी सब्जियाँ तो इसमें मैं फिर शामिल कर दूंगी ये वाला चिकन अपना। नाज़रीन ये देखें ये हमारा चिकन पिंक पिंक हो गया, ये भुन चुके हैं, घी भी इसमें छोड़ दिया है। अभी स्टेज में मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और काली मिर्च पाउडर डाल के और नमक, और इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, पानी थोड़ा हुशक हो जाएगा तो इसमें मैं अपनी ये सोया सॉस और ये चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, सादी केचप डाल रही हूँ, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये देखें मैकरोनी हमारी तैयार हो चुकी है, ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें ये इस स्टेज पे मैं इसका पानी उतार दूंगी। नाज़रीन इसमें मैंने एक कप पानी शामिल करके इसमें हाफ टी स्पून मैंने पीसी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून जो है मैंने नमक डाल के और इसे अच्छी तरह भून लिया। ये देखें ये गुलाबी हो चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी केचप और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून जो है ये सोया सॉस। और बंद गोभी हमारी 1/2 किलो है उसके हिसाब से इसमें मैं 1 टीस्पून जो है 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पहले भी नमक डाला है तो 1 टीस्पून मैं इसमें और नमक और 2 टीस्पून भर के मैं इसमें काली मिर्चें इसी शामिल कर दूंगी। ये देखें ये हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अगर आपको केचप कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। हमारा तैयार हो चुका है, इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। इसमें मैंने ले लिए 1/2 टेबलस्पून ऑयल, इसे मैं गर्म होने दूंगी और इसमें हम सॉटे कर लेंगे अपनी सब्जियाँ जिसमें शामिल है बंद गोभी और शिमला मिर्च। आंच आपने जरा तेज रखनी है क्योंकि हल्की आंच होगी तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसे मैं कर लेती हूँ सॉटे।
डाल रही हूँ। ये देखें ये मैं सब्जियों को सादे कर रही हूँ। ये तकरीबन हमारी जो है होने वाली है, साथ ही मैं आपको जो है नाती के साथ सुना देती हूँ। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सिख मित्रां दी वदेरी क्यों दिल उदास अरेरी आपको मेरी नाव कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारी हो गई हैं सब्जियां तैयार। अब मैं ये चिकन इसमें शामिल कर दूंगी। नाज़रीन ये देखें, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको केचप कम लगे तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें ये चिकन शामिल कर दी है और साथ मैंने ये मकरोनी जो हमने उबाल ली थी, और मुझे केचप कम लगी है तो ऊपर से मैंने ये और डाल दिया। अब हम इसे करेंगे मिक्स। चिकन में से वो जो मैंने तड़का लगाया है ना थोड़ा सा प्याज का और वो लहसुन का, और बीच में हमने पिसी हुई साथ ही काली मिर्च भी डाली थी और नमक, और वो पानी एक कप में उबाला है मैंने, तो चिकन में बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। और पीस हमेशा छोटे रखिएगा क्योंकि बड़े बड़े पीस खाने में मज़ा नहीं आता। ये छोटे छोटे पीस जो होते हैं ना मैक्रोनी में, इसे सही मज़ा आता है। चाहे तो आप जितना भी ज़्यादा डालना चाहें चिकन को ले सकते हैं। मैंने आधा किलो का ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था, ये ब्रेस्ट मैंने करवा लिया था इसका। जब भी आपने कोई डिश बनानी हो ना बोनलेस की, तो आप जैसे ही चिकन लेते हैं तो उसे कह दिया करें साथ ही कि चिकन का जो सीन है ना ब्रेस्ट, वो बोनलेस कर दे आपको साबुत। वो फिर आप घर में इजीली अपने कटिंग बोर्ड पे जो है जिस तरह भी करना चाहें, चाहे क्यूब बनाना चाहें बड़े टिक्कों के लिए, चाहे मैक्रोनी के लिए छोटे बनाने चाहें, तो बना सकते हैं आसानी से। मैं हमेशा जब भी कोई डिश मैंने बोनलेस चिकन की बनानी होती है, मैं साथ ही चिकन का सीना जो है ना वो अलग करा लेती हूँ और उसे धो के फ्रिज में फ्रीज कर लेती हूँ और आसानी के साथ फिर निकाला अपनी डिश बना ली। ये देखें हर चीज़ भी इसमें परफेक्ट है। अगर इसमें आपको काली मिर्चें कम लगें तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं ऊपर से। मुझे इसमें थोड़ी कम लग रही है तो मैं आपके सामने और डालूंगी ज्यादा सी। बेशक आप इसी भी ले हैं, लेकिन अगर घर में फ्रेश पीसते हैं आप तो वो ज्यादा अच्छी बात है। मकरोनी स्पाइसी अच्छी लगती है। नाजरीन ये देखें ये मैंने प्लेटर ले लिया और इसमें मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हर चीज बीच में परफेक्ट डाली है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने खानों में घी या ऑयल कम से कम इस्तेमाल किया करें। मैंने भी कम ही ऑयल में बनाया है। ये देखें नाज़रीन
अगर चूल्हे पे रखना हो तो चूल्हा पहले चेक कर लिया करें कि गरम तो नहीं है। नाजरीन, इस तरह आप अपने घर में ये मकरोनी जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जब मेरे तरीके से मकरोनी बनाई तो कैसी बनी और आपको खाने में कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी हर डिश को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम के साथ मिल सकें। और मेरे चैनल का नाम है जायके ज़िंदगी के। अल्लाह हाफिज़।